नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर चीन को ऐसा घेरा कि वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने प्रिय पाकिस्तान के खिलाफ बोलना ही पड़ गया। मौका था ब्रिक्स सम्मेलन का। बीजिंग के शियामिन शहर में चल रहे इस सम्मेलन में चीन के इस कदम को भारत की ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। तो आतंकी हमला अब ये मंजूर नहीं होगा, आतंकवाद को बढ़ावा बर्दाश्त नहीं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आतंकवाद पर काबू पाया जाएगा। चीन के बीजिंग में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में इसे तवज्जो दी गई। इस मुद्दे पर न केवल ब्रिक्स के लगभग सभी सदस्य देश एकमत दिखे बल्कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भी इसे तवज्जो दे दी गई। यही नहीं, साथ ही साथ नाम लेकर आपको बता दें, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, हक्कानी आईएस और तालिबान समेत लगभग सभी आतंकी संगठनों की निंदा की गई। इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से बढ़ावा मिलता है और साथ ही कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। बता दें कि चीन ने इसी साल जून में जैश ए मोहम्मद चीफ पर यूएन कार्रवाई का विरोध किया था। चीन का कहना था कि जैश ए मोहम्मद के मुखिया के खिलाफ कदम उठाने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है। वहीं भारत का कहना था कि उसने अजहर पर प्रतिबंध के लिए ठोस सबूत पेश कर दिए हैं और उसमें पाक को अपना डेरा बनाए इस आतंकवादी गतिविधियों का पूरा ब्यौरा है। पिछले साल चीन ने अजहर को आतंकवादी का दर्जा देने के भारत के आवेदन पर भी तकनीकी रोक लगा दी थी। इससे पहले भी चीन ने 2009 में वीटो लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया था और इस बार भी पीएम मोदी के ब्रिक्स बैठक में शामिल होने से पहले ही चीन ने कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया था कि भारत ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा ना उठाए। चीन का कहना कि यह समय यहां पर ठीक नहीं है मुद्दा उठाने का, लेकिन भारत ने इस बार मजबूती के साथ अपनी बात रखी है। साथ ही मजबूरी में ही सही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी कहना पड़ गया कि ऐसे उपाय करें कि आतंकियों को छिपने की जगह ना मिले। इसका क्या और कितना असर होगा और किस तरह से पिंजरे में यहाँ पे ड्रैगन आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश यादव कांग्रेस लीडर हैं, साथ ही साथ पीयूष पंत जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मनन द्विवेदी जी हैं फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जिस तरह से हमने देखा कि ब्रिक्स का ये नौवां जो यहाँ पे सम्मेलन था, प्रधानमंत्री मोदी इसमें गए और आतंकवाद के मुद्दे पर एक जो शिमला में ब्रिक्स का जो हमने घोषणा पत्र यहाँ पर देखा, खासकर आतंकवादियों की एक लिस्ट जो संगठन है एक लिस्ट जारी की गई और उनको कहीं ना कहीं अब कोई भी देश बर्दाश्त आतंकवाद को नहीं करेगा। तो क्या सबसे पहले सवाल जानना चाहूंगी यहाँ पे राजेश जी आपसे, क्या आप इसे एक भारत की उपलब्धि मानेंगे, क्योंकि काफी सालों से भारत कहीं ना कहीं हर स्तर पर आतंकवाद के लिए के विरोध में अपनी बात कहता रहा है। देखिए, भारत ने आज ही नहीं, बहुत पहले से शुरू से जहाँ जहाँ मीटिंग होती है, जहाँ सम्मेलन होते हैं, तो आतंकवाद के चीजों को उठाता रहता है और सदैव उठाया है। आप देखिए, चीन की दोहरी नीति है और सदैव जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाया जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर जी। तो आप देखिए, उस समय चीन ने विरोध किया था। हाँ। तो इसकी जो कन्नी और कथनी में अंतर है चीन के, और ये तो समय ही बताएगा, जब ये समय आता है तो ये पलटी मार जाता है। चीन का ये है, अभी तो चुप है, जब ये समय आएगा प्रतिबंध की बात होती है या कार्रवाई की बात होती है तो उसकी फिर कोई ना कोई अपनी मजबूरी दिखाएगा, कोई ना कोई इस तरह से उसको टालेगा और कोई ना कोई उनके जो है उनका सपोर्ट करेगा, बैक से करता है। और चलिए पीयूष जी, क्या आपको यहाँ पे लगता है कि जिस तरह से एक जो ब्रिक्स सभी देश हैं, पांचों देश, उनका एक मकसद होता है कि एक दूसरे का सहयोग करें और सभी देश जो है विकसित हों, कहीं ना कहीं एक ये पर्पस रहता है, यहाँ पर एक मुद्दा जो आतंकवाद का है, चीन कभी सपोर्ट आतंकवाद का हमने देखा है कि उसके खिलाफ ही हमेशा बोलता आया है। आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र ने जब बैन किया आतंकी को तो उस पर भी सवाल उठा। तो ऐसे में एक मजबूरी यहाँ पर क्या चीन की माने कि जब चारों देश एक सुर में यहाँ पर बोल रहे हैं तो चीन अलग से नहीं बोल सकता, यहाँ पे चीन की किरकिरी हो सकती थी, क्या ये वजह यहाँ पर है कि उसने कहा कि आतंकवाद के लिए एक ऐसा उपाय करे कि कोई आतंकी को पनाह ना दे पाए कोई भी देश? हाँ, देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए ये ब्रिक्स समिट जो है वो चीन ही होस्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो एक जिम्मेदारी उसकी थी। दूसरा, चीन भी अब जो है वो आतंकवाद से पीड़ित है, इसलिए भी वो उसके लिए ज़रूरी था एक जो है कि एक कॉमन जो रेजोल्यूशन था ब्रिक ने पांचों देशों का, उसका वो भागीदार बनता। हालांकि उसने जो है तमाम संगठनों के जो पाकिस्तान में सक्रिय हैं
उनके वो सारे नाम हैं उन रेजोल्यूशंस में, लेकिन फिर भी चीन ने जो है हाफिज सईद का या किसी नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया गया, यहाँ तक कि उन संगठनों का नाम लिया गया लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। ये साफ दिखाता है कि चीन ने यहाँ पे भी जो है उसके जो पाकिस्तान के साथ संबंध हैं, जो वहाँ उसकी प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है और जो पाकिस्तान पे वो आर्थिक सहायता मदद हर तरह की मदद पहुँचा रहा है उसको देखते हुए, और शुरू से ही उसका ये रवैया रहा है, वो यूनाइटेड नेशन में भी यही रहा है कि आतंकी जो पाकिस्तान के आतंकी हैं उन पे वो तो या तो वीटो लगा देता है या फिर उनको जो है कि एक टेररिस्ट का स्टेटस देने में हाफिज सईद को भी वो लगातार आनाकानी करता रहा है। तो ये मजबूरी थी मुझे लगता है, और ब्रिक्स के को बचाए रखने के लिए मुझे लगता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी था कि एक मत होती सभी देशों में, जो पांचों देश हैं उनमें एक मत हो कि जो भी रेजोल्यूशन पास हो उसमें सबकी भागीदारी हो। इसलिए मुझे लगता है चीन को चाहे भले ही मजबूर होकर करना पड़ा लेकिन उसको अपनी सहमति दिखानी पड़ी। आप लोग बता दो, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, दिनेश उपाध्याय जी, बीजेपी से लीडर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, पिंजरे में आखिरकार यहाँ पर ड्रैगन आ गया है ब्रिक्स देशों की, जब चार देशों की सहमति मिली तो इसको भी बोलना पड़ गया आतंकवाद के खिलाफ ही से। तो ऐसे में अब सवाल आपसे ये कि ये लगातार भारत जो हम कह रहे हैं काफी सालों से इस मुद्दे को, चाहे G20 हो, ब्रिक्स का ये समिट हो या कोई भी स्तर की वार्ता, वहां पर ये मुद्दा जरूर उठाता है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देश एकजुट हो। अब सवाल यहां पर ये है, क्या चीन जो बोल रहा है क्या वो करके दिखाएगा, वो क्या पलटी तो नहीं मार जाएगा आगे? वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए कार्य और चाइना का पिछले कुछ समय से रवैया, इसका इस देश का इतना गंदा रवैया रहा कि हिंदुस्तान को कितना नुकसान इसने पहुंचाया उसका आकलन करना मुश्किल है। लेकिन डोकलाम का विषय रहा हो या पाकिस्तान को संरक्षण देने का विषय रहा हो या पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देना विषय रहा हो, ये पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं। लेकिन डोकलाम से सेना को पीछे हटाया जाना, इसमें चाइना का सरेंडर हुआ है और ये वर्तमान सरकार के द्वारा कार्य किया गया है। बाकी अभी ब्रिक्स के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं और वहाँ पर भी उन्होंने आतंकवाद का विषय उठाया है और आतंकवाद का जो संबंध है सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ है वो, और पाकिस्तान से कितना दुखी इस देश को किया है, कश्मीर के अंदर आज भी कितना हो रहा है रोज पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और अभी पूरे देश की जनता इसमें युद्ध में, ये जो युद्ध चल रहा है, एक अघोषित युद्ध चल रहा है भारत के साथ आतंकवाद के द्वारा, जो दुखी किया जा रहा है आर्थिक दृष्टि से भी, आतंकवाद से भी और सीमाओं के ऊपर भी, कहीं कुछ पूरा देश साथ दे रहा है। मैं पूरे देश की जनता का और सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, पार्टी की तरफ से भी, अपने संगठन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। बाकी वर्तमान सरकार पूरी संवेदनशील है और ये विषय आज का नहीं है जी। आज का नहीं है, ये विषय बहुत लंबे समय से चल रहा है, जब से देश आजाद हुआ है ना जी, कश्मीर के अंदर जो हालात की उसमें किन किन लोगों ने सहयोग किया, इनका साथ दिया है। अब वो समय आ गया है कि इस मजबूत सरकार के साथ देश कंधे से कंधा मिला करके चले, आतंकवाद को ये अभी वर्तमान सरकार देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोदी जी गए हैं वहाँ, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधि हैं देश के, और बहुत अच्छा कार्य वहाँ पे वो करके आएंगे। और चाइना को कुछ तो समझा दिया गया, और ये जो बात भाई साहब ने कही है ना यादव जी ने पलटी मारने की, मैं इससे सहमत करता हूँ, पलटी मारने की बात है, लेकिन भरोसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन चाइना इस बात को समझ ले और सुन ले। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, वो ऐसी गलती दोबारा ना करे, यही उसके भाई में यही अच्छा है। चलिए मनन जी, द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, क्या आपको लगता है जो घोषणा पत्र यहाँ पे जारी किया है ब्रिक्स ने और इसमें अब आतंकवाद के खिलाफ सभी देश एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे, ये तो एक रिटर्न प्रोसेस हो गया, लेकिन ये इंप्लीमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और क्या इससे चीन पर ज्यादा दबाव अब बनेगा घोषणा पत्र से कि अब उससे आतंकवाद के खिलाफ कह सकते एक अकाउंटेबिलिटी उस देश की बनेगी जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देगा? मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से डोकलाम की बात आगे आई और डोकलाम को लेकर करीब 10 वीक्स तक पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन डेवलप हुई, तो उसमें ये है कि एक तरीके से मोदी जी की जो मस्कुलर डिप्लोमेसी रही, जो उनकी मस्कुलर कूटनीति रही, उसके चलते चीन को ये सबक पूरी तरीके से मिल गया कि चुमार की बात हो, दौलत बेग उल्डी की बात हो, या सीमावर्ती कोई और भी क्षेत्र उसकी भी बात हो, वहां पर जो भी एक्टिविटी होगी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
तो ये पूरी तरीके से मोदी जी की मस्कुलर डिप्लोमेसी का अचीवमेंट है। जहां तक चीन के बोलने की बात है कि पाकिस्तान जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है, पर उसको हमें ज्यादा वेट नहीं देना चाहिए। हम इंटरनेशनल रिलेशंस में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो सिद्धांत है उनके हिसाब से इसका आकलन करें तो हम पाएंगे कि चीन की आदत रही है कि वो हेजेमोनिस्टिक रहा है, पूरी तरीके से एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति रही है उसकी। और क्योंकि यहाँ पर वो होस्ट है, चीन के अंदर ही सारी बातचीत हो रही है, तो उसको अच्छी अच्छी बात करनी पड़ेगी और जो गुड साउंड बाइट है वो चीन को चीन ने दी भी है। और मैं आप एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा झूठ लोगों के सामने बोला है। वो झूठ उन्होंने ये बोला है कि जो ओबोर की जो परिकल्पना है चीन की, वो ओबोर की जो पूरी तरीके से इमेजिनेशन है वो जियोपॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि मई में ओबोर की मीटिंग हुई थी चीन में, जहां पर करीब 29 देशों के हेड ऑफ स्टेट्स आए थे और बहुत एनजीओज आए थे और 140 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए थे। तो वो लोग वहां पर आए थे और उन लोगों ने ये बात बोली कि हम लोग पूरी तरीके से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के समर्थक हैं और भारत अकेला ऐसा देश था जो ये बोला कि नहीं हम लोग इसके समर्थक नहीं है। तो मतलब पूरी बात ये है कि बहुत नेगेटिव बात है। एक सवाल और आपसे, जब ये ब्रिक्स अभी समिट अब 3 को शुरू होना था तो एक दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उनका एक कहीं ना कहीं इशारा शर्मा, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अभी जो समिट होगा इसमें जो भारत है आतंकवाद का मुद्दा ना उठाए और कहीं ना कहीं अभी ये सही समय नहीं, यानी ब्रिक्स में बात करने का आतंकवाद के लिए सही समय नहीं है। मतलब इस तरह की बात कहना एक दिन पहले समिट के, इससे हम क्या समझें? क्यों नहीं चाहता चीन की इस समिट में इस तरह के मुद्दे उठें? क्या लगता है आपको? मैं आपसे ये बोलूंगा कि चीन की पुरानी नीति रही है कि इंडिया को अब जैसे हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की नीति रही है कि ब्लीडिंग इंडिया वाइट थ्रू 1000 कट्स। वैसे चीन की नीति रही है कि वो कंटेन करे, एनसर्कल करे, और स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी रही है चीन की। तो उसको मद्देनजर हम रखें तो उसमें हम ये पाएंगे कि चीन का इसमें एक नया स्वार्थ है। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो चला था, जो पंचशील मूवमेंट का जो अभ्युदय हुआ था 1950 में 1954 में जब नेहरू थे और बाकी सारे लोग थे, तो उस समय चीन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सोवियत यूनियन के साथ था कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड का नेता कौन। तो उसमें चीन ने बोला था हम नेता है, सोवियत यूनियन नहीं है। और इंडिया और नेहरू की पर्सनैलिटी उस समय ज्यादा बड़ी थी, तो एक तरीके से इंडिया को एक तरीके से नेता और लीडर और उसका परिकल्पना का स्रोत माना जा रहा था। तो एक तरीके से जी जिनपिंग की तरफ से और चीन की तरफ से 2009 से और 6 से जब से ब्रिक्स आया है सामने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आया है, तब से कोशिश रही है कि चीन बड़ी मतलब एक तरीके से ब्रिक्स में भी दादागिरी कर रहा है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो AIIB है और जो CRA है ब्रिक्स का, उन सब के अंदर चीन को एक महत्वपूर्ण पोजीशन दी जाए, एक पुख्ता पोजीशन दी जाए। तो इसके चलते चीन नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नेता उभरने की कोशिश कर रहा है। पर हम देखेंगे कि चीन की परिकल्पना में अमरीका का भी बहुत क्लोज स्थान है, अमरीका का भी बहुत क्लोज स्थान है। और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो कई अमेरिकन स्कॉलर्स हैं और वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा है कि G2 की परिकल्पना को उन्होंने डेवलप किया है कि चाइना और अमेरिका भी साथ में रहेंगे। तो इसमें कई तरह के मतभेद हैं ब्रिक्स के अंदर भी। इसमें हम देखें तो साउथ अफ्रीका को भी पाएंगे। साउथ अफ्रीका ऐसा देश है, पहले ब्रिक था BRIC और S आया 2010 में साउथ अफ्रीका मेंबर बना। तो साउथ अफ्रीका अभी भी बहुत प्रो अमेरिका और बहुत प्रो वेस्टर्न है। तो चीन और रशिया का ये प्लान था कि पूरी तरीके से थर्ड वर्ल्ड की तरफ से एक अटैक किया जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन IMF और GATT के ऊपर, जो वो उसमें भी बहुत कंफ्यूजन, ज्यादा इंपोर्टेंस मांगता है। लेकिन ब्रिक्स में तो सभी देशों में इक्वली काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें, जो भी जिस देश के पास जो चीजें हैं आपस में कह सकते हैं आदान प्रदान करें, लेकिन अलग से एक इंपोर्टेंस देना, ये चीन यहाँ पे क्यों चाहेगा? इसमें ये है कि इसमें हम देखें तो हम ये पाएंगे कि अगर उनका जो मेन बैंक है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स बैंक है, उसके अंदर 41 बिलियन डॉलर्स का जो अमाउंट है वो जो चीन ने दिया है, उसने चीन ने दिया 41 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट। और अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो उसमें हम ये पाएंगे कि ब्राजील
और इंडिया ने 16 से 17 बिलियन दिए हैं और साउथ अफ्रीका ने 6 से 7 बिलियन डॉलर्स दिए हैं, तो ऐसे कुछ आंकड़े हैं। तो यानी जो ज्यादा देगा उसका कहीं ना कहीं जो ज्यादा देगा उसका मैच तो ज्यादा होगा। तो एक तो ये कैपिटलिस्टिक अवधारणा को हम आगे लाएं तो ये बात चलेगी, और दूसरा चीन का इसमें एक तरीके से अपना जियो पोलिटिकल एजेंडा भी है कि नेबरहुड जो हुआ साउथ चाइना सी हुआ, इंडोनेशिया हुआ, बे ऑफ बंगाल हुआ, उसके अलावा एक तरीके से अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में वो एस्टेब्लिश करे और कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ दौड़ में शामिल हो। तो ये कुछ बात है। बिल्कुल पीयूष, अब एक तरफ तो चीन को मनी मन झटका तो जरूर यहाँ पे लगा होगा इस मीटिंग के बाद, और अब क्या पाकिस्तान की बात करें, वहां पे जो आतंकवादी संगठन वहां पे पनाह जो देता है पाकिस्तान वो रह रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक टेंशन आज से जरूर हो गई होगी, अब उनका क्या होगा? नहीं देखिए, चीन को झटका लगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि क्योंकि आतंकवाद से जो चीन भी जो है वो परेशान है, और दूसरा अफगानिस्तान में जो आतंकवाद है वो उसको लेके भारत और चीन दोनों की ही चिंता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो उसको झटका लगा है। तो अगर चीन परेशान है तो चीन फिर सपोर्ट क्यों नहीं करता जब इसके खिलाफ? नहीं, उसने सपोर्ट किया तभी तो रेजोल्यूशन आया, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान पे इसलिए नहीं करता आतंकवादियों को क्योंकि पाकिस्तान में उसका इंटरेस्ट है, सीधे सीधे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसका वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट कर रहा है। पहले अमेरिका जो था वो पाकिस्तान की सपोर्ट में था, अमेरिका ने अपने चंगुल में रखा था पाकिस्तान को, पूरी जो साउथ एशिया की जो पूरी स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है उसको लेते हुए। उसी तरह से अब चीन ने जो है पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ में वो खड़ा हो रहा है, एक महाशक्ति के रूप में उभर भी चुका है वो इस समय, वही अमेरिका तो कहीं बहुत पीछे चला गया है तो चीन इस समय है, और तो इसलिए वो लगातार अपना विस्तार कर रहा है, और इसीलिए उसने पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए अमेरिका भारत के पास आ रहा है, इसीलिए अमेरिका चाहता है काउंटर बैलेंसिंग के लिए भारत को अपने पास रखे रहे, अपने कब्जे में रखे रहे। तो इसलिए आप देखिए प्रगाढ़ता ओबामा के टाइम में, फिर ट्रंप के टाइम में और बढ़ रही है प्रगाढ़ता भारत और अमेरिका की, तो इसलिए वो हाफिज सईद या किसी ऊपर जो है आतंकवादी डिक्लेयर करने में रोक लगा रहा है, उसके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इसलिए क्योंकि आतंकवाद से वो भी झेल रहा है और वो भी चाहता है कि आतंकवाद से उसको छुटकारा मिले, कोई भी नहीं चाहता कि विश्व में आतंकवाद रहे, लेकिन वहीं पर यह भी सच है कि नहीं चाहते हुए ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा इनडायरेक्टली दे रहे हैं, हथियार के जो सप्लाई होती है आतंकवादियों को, इसमें से बहुत से देश हैं, अमेरिका है, रूस है, इसराइल है, सबसे जो है हथियार पहुंचते हैं। दूसरा वही अमेरिका, देखिए भारत इसराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध बना रहा है, लेकिन वही इसराइल जो है पैलेस्टीन को लेके वहां पे जो है लगातार जो है दूसरी तरह की नीति अपनाता है जहां पे वहां, तो आप एक तरफ से तो आप आतंकवाद खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आप पूरे खासकर जितने मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनको आप लगातार जो है टारगेट किए रहते हैं, उनको आप आतंकवादी डिक्लेयर किए रहते हैं, तो इस तरह से ये जो दोगला चरित्र है ना वो भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए आतंकवाद की समस्या बिल्कुल दोगला चरित्र रवैया बिल्कुल जिस तरह से बदल रहा है वो दिख रहा है। जब तक आप पॉवर्टी से टैकल नहीं करेंगे तो आतंकवाद से आप छुटकारा नहीं पा सकते। बिल्कुल। और दिनेश जी, क्या यहां पर आपको लगता है कि जिस तरह से चीन का रवैया यहां पर बदल रहा है, पहले जब मसूद अजहर की बात कर लें तो उसके खिलाफ कार्रवाई को रोकता है, वीटो लगाते हैं और मतलब इस तरह की बातें करते, अब इस तरह से किस तरह से मतलब चीन का रवैया अब रहेगा, क्या कदम अब चीन उठाएगा, ये भी सवाल है, मतलब भारत के खिलाफ मतलब भारत के अब साथ यहां पे देगा क्या? देखो मैडम, एक तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, चीन का रवैया अपने आप नहीं बदल रहा, वो बदलवाया गया है नीति के तहत या कुछ इस तरह के कार्य करके ताकि उसको समझ में आ जाए कि ये रास्ता तुम जो अपना रहे हो ठीक नहीं है। और चीन के बारे में आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पूर्व में कभी अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा, कभी मेघालय का मुद्दा, ये कुछ ना कुछ उठाता रहता है, कभी अपने नक्शे में दिखाएगा, भारत अपने नक्शे में है ही, हमारे वहाँ मुख्यमंत्री हैं, और नेपाल के अंदर भी, सिर्फ भारत ही दुखी नहीं है, नेपाल के अंदर एक जगह है थमेल के अंदर कोई भी सामान वहाँ नेपाली या इंडियन बिकता ही नहीं, टोटली सामान चाइनीज है। ठीक है, भारत के अंदर होली हो, दिवाली हो, गुब्बारे हो, प्लास्टिक के डब्बे हो, बाल्टी हो, सारा ही सामान तो चाइना भेज के बिकता है, और मोबाइल फोन वगैरह, यानी चाइना का, मैं ही अगर ये बात कहूँ इसका कोई दीन धर्म है ही नहीं। और रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान का तो कोई वारिस है नहीं, ना उसके देश के अंदर है ना देश के बाहर है, वो एक फुटबॉल की तरह से है। पहले उनका ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिका ने मारा, अब वहाँ पे उनकी खटपट हुई, अब चाइना की गोद में जा करके बैठ गया, कहीं ना कहीं चाइना के अंदर आतंकवाद है,
ये बात या आतंकवाद से दुखी है भी भाई साहब ने बात की, इस बात को पूरी तरह से मानने को मैं तैयार इसलिए नहीं हूँ कि जो जिस बात से दुखी होता है वो उसकी पीड़ा कभी दूसरे को देता नहीं और ना देना चाहिए अगर उसके अंदर जरा भी बुद्धि है किसी नहीं वहाँ है, मैं वहाँ रहता नहीं, आपको वहाँ की हो सकता है ज्यादा जानकारी हो। हम ये कहते हैं चाइना बदतमीज है, बदमाश है और वो दूसरों के घर में पत्थर फेंकता रहता है, वहाँ कोई आतंकवाद नहीं है, दूसरों को दुखी करने का इस आदमी ने ठेका ले लिया। पाकिस्तान को संरक्षण देने से हम लोग दुखी हैं, उसे ऐसा कुकृत्य करना नहीं चाहिए था और चाइना की तारीफ करके या आतंकवाद से दुखी है वो, हम इस बात को बिल्कुल मानते नहीं। अगर दुखी है तो दूसरे फिर तूने पाकिस्तान का साथ काहे को दिया, मेरे घर में दुखी है अगर वो किसी चीज से परेशान है। भाई साहब सुनो, अगर मैं किसी चीज से परेशान हूं मैं दूसरे को उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए मुझे, हमें पाकिस्तान भारत के अंदर क्या कर रहा है सबको पता है, उसके बावजूद से चाहिए था पाकिस्तान अगर आया होता तो हाथ जोड़ लेता, भाई देखो देख सुन मैं तेरी मदद करने को तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एक भला आदमी हूँ, मैं एक भला मुल्क हूँ, मेरा एक कैडर है, मैं इस काम में तुम्हारे साथ नहीं दे सकता। क्या उन्होंने आर्थिक मदद नहीं की, किस तरह से मदद नहीं की? अगर चाइना इस तरह से अपना मुंह कभी साफ करना चाहे कभी हो नहीं पाएगा। हमने क्या मदद करी भाई, चाइना सारा माल हमारे यहाँ चाइना का आता है, हमारी इतनी बड़ी बाजार इसका फायदा उठाता है। वही मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ये देश का प्रत्येक व्यक्ति इस बात की कसम खाए। एक बार मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेंगे सर, कसम खाएंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था भरभरा के गिर जाएगी। नहीं नहीं, इस धोखे में देश ना रहे, नहीं यही है, यही सच्चाई है। अरे भाई जो आप लोग जो है ना, जो आप लोग चाइना का सामान इस तरह की बात करते हो ना, सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपका, सारे पुर्जे मशीन खरीदता है, सरकार ने खरीदा क्या? भारत में आता है। अरे सरकार ने खरीदा क्या भाई साहब? देश की जनता दुकान निर्भर है आज चीन के ऊपर, अमेरिका निर्भर है, भारत भी निर्भर है। प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बाल्टी सरकार ने खरीद के बेचे क्या? और क्या, सरकारी को लाइसेंस देती है और कौन देता है? आप ऐसी बात कर रहे हो, प्लास्टिक के डब्बे बाल्टी की दुकान अपनाइए तो संघ के हैं, क्यों ना अपनाए? मनन जी यहाँ पे राष्ट्रीय रिश्तों में कुछ होता है, नहीं नहीं मनन जी, राष्ट्रीय ट्रेड होता है, जो होता है व्यापार होता है, आप जो देशों को बचाता है वो व्यापार हकीकत है। बिना व्यापार के, बिना अपनी आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ बनाए आप बच नहीं सकते। आप सर ब्रिक्स में सिर्फ चीन तो नहीं है, बाकी देश भी है, अच्छा कदम है चीन पे निर्भर, और चाइना से चाइना ने बिल्कुल भी। मनन जी पीयूष जी का कहना है कि यहाँ पर हम चीन के ऊपर निर्भर है और चीन का भी जो समिट वहाँ पर हो रहा है, जाना ही नहीं चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को। निर्भर नहीं है हम, बिल्कुल निर्भर नहीं है। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि जब दो राष्ट्र होते हैं, नेबर्स होते हैं या एक दूसरे के दूर होते हैं, तो भी क्योंकि एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, कन्वर्जेंस, इंटरडिपेंडेंस और ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी के टर्म्स हैं जिनको हम प्रयोग में ला सकते हैं, उनके चलते पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरीके से एक ही जगह पे गुथी हुई है। और एक तरीके से जैसे ग्लोब की परिकल्पना है, वैसे कहाँ से किस कंट्री के तार कहाँ निकलते हैं वो पूरी तरीके से किसी को भी पता नहीं है। जबकि यहां तक हम ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये उदाहरण भी मतलब हम यहाँ पर दे सकते हैं कि जो अमरीकी इलेक्शन कैंपेन में जो फ्लैग्स और बंटिंग्स और कॉन्फेटी जो बनाई जाती है, उछाली जाती है और जिनके साथ लोग पूरी तरीके से ट्रंप या हिलेरी क्लिंटन को सपोर्ट करते थे, वो भी चाइना में बनती है बहुत कुछ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर राष्ट्रहित के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है और वॉर की जो सिचुएशन है वो डेवलप हो रही है, तो उसमें हम लोग शांत बैठेंगे, चुप बैठेंगे? क्योंकि हर देश के पास अपना बैकअप ऑप्शन होता है, हर देश के पास अपना बैकअप ऑप्शन होता है और एक तरीके से इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ होती है और जो सिक्योरिटी और पीस के एनवलप में बंदी होती है, तो उसको आगे लेके अगर कोई देश चलता है तो हमारे भले ही इकोनॉमिक रिलेशंस हो, हम भले ही डिपेंडेंट हो कुछ हद तक, पर जहां पर राष्ट्रहित की बात आती है उसके आगे कॉम्प्रोमाइज,
कोई भी स्वावलंबी राष्ट्र नहीं करेगा, मेरा ये सोच। और अगर दोनों देश ये विवादों को छोड़कर अगर एक दूसरे का ठीक से सहयोग करें, सारी जो एक दूसरे के देश के जो चीजें होती आदान प्रदान, गुड्स और सर्विसेज मानते कि आगे हैं दोनों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों देशों का अच्छा खासा विकास यहाँ पर हो सकता है। यानी अगर ये सारे विवाद यहाँ पे छोड़ दिए जाए, ब्रिक्स की परिकल्पना ही यही है कि आपसी ट्रेड को मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए आपस में, ताकि हम विकास विकसित देशों को चुनौती दे सके। परिकल्पना ही है। अगर पाकिस्तान ने ब्रिक्स ने थोड़ा कहा था कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहां आतंकवाद फैला रहे हो कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर कितने लोग। चलिए इस पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। जी राजेश जी, चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चर्चा हमारी लगातार जारी है। तो ब्रेक बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड। यहाँ पर हम चर्चा करें कि आखिरकार पिंजरे में ड्रैगन यहाँ पर कैसे आया, अब क्या कुछ करेगा, क्या भारत का साथ देगा आतंकवाद के खिलाफ जो यहाँ पे आज शब्द बोले हैं चीन ने, क्या उस पर वो कायम रहेगा। इन्हीं सब पर हम चर्चा करें। हमारे साथ राजेश जी हैं, दिनेश जी हैं, पीयूष जी और मनन जी सभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी कांग्रेस से, इनसे आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं आज खुद चीन को बोलना पड़ा कि हाँ पाकिस्तान के खिलाफ उसने बोला है, तो क्या आपको लगता है कि अपनी बात पर ये कायम रहेगा, क्या वही पलटी तो नहीं मार देगा, क्या कुछ आपको लगता है इस बार? देखिए चीन का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो बहुत दोगली नीति का है। और जब अब जब मतबल होता है तो वो झुक जाता है, और जब मतबल नहीं होता है तो वो इस तरह की सीमाओं से लेके और गतिविधियां चलाता रहता है। अब ब्रिक्स सम्मेलन था इस समय, उसने देखिए जो ढोकलाम है, ढोकलाम पे इसी सम्मेलन का एक ये भी हिस्सा है कि अगर भारत उसमें हिस्सा नहीं लेता तो उसका इंसल्ट होती, तो क्योंकि बहुत बड़े देश हैं नहीं उसमें, गिने चुने देश हैं, पांच ही देश हैं, और एक देश नहीं जाता, तो ये भी था उसमें एक पार्ट। और आप देखिए ये तो समय ही बताएगा, कुछ दिन बाद देखना कि जैसे बार बार कई बार कहता है वो जो मसूद अजहर पे बोलता है कि हाँ ठीक है, जब भी विदेश मंत्री से और जब भी हमारे जो राजदूत हैं उनसे बात होती है, पहले बोलता था कि मसूद अजहर के खिलाफ हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं। जब, मसूद अजहर जब खुद सारे हमलों की जिम्मेदारी लेता है, पठानकोट हमने कराया, जम्मू कश्मीर हमले हम करवा रहे हैं, प्रतिबंध की बात आती है सबूत चाहिए, तब प्रतिबंध की बात आती है तो वीटो लगाता है। जब एक संयुक्त राष्ट्र ने जब प्रतिबंध लगा दिया है और आतंकवादी है, गतिविधियां हैं उसके इतने वीडियो से लेके, और जितने आतंकवाद की गतिविधियां हैं और जो उनको अंजाम देने के बाद जिम्मेदारी लेता है बाकायदा से कि ये हमने काम करा है, ठीक है ये प्रूफ नहीं है, तो ये प्रूफ नहीं, प्रूफ है बहुत प्रूफ है, लेकिन उसका क्या है, जैसे अभी हमारे साथी पत्रकार जी ने बताया था कि पहले जो अमेरिका इनको मदद करता रहता था, अब ये अंदरूनी अब जो आतंकवादी गतिविधियां को जो है चीन को, चीन मदद करता है, अंदरूनी करता है और वो व्यापार है। क्या आपको लगता है कि ये चीन की कोई ये मजबूरी है कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करे आतंकवाद के खिलाफ, कुछ ना बोले? आप सभी बात करें। जी हाँ, मनन जी मैं ये इसमें यही बात सामने रखना चाहूंगा कि हम अगर हम देखें तो इंडिया की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो दो तीन तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो हमारे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है और जो चीन के साथ बॉर्डर है वो लैंडलॉक्ड है, ठीक है, और जो हमारे जो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, इंडियन ओशन है वो ओपन है, ठीक तो है। अब जहां अभी करीब एक दो महीने करीब एक महीने पहले जो बात चल रही थी कि डोकलाम में क्या हो रहा है, कैसे चाइना को कंटेन किया जाए, तो इंडिया के लिए एक ही नीति सामने आ रही थी कि इंडियन ओशन का जो इनका जो और जो मलक्का स्ट्रेट से जहां से इनका 70-80% जो इनका सारा सप्लाई जाता है और जो इनका ट्रेड जाता है, इनके रॉ मटेरियल जाते हैं और इनके अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इनका ट्रेड होता है यहाँ से, उसको अगर नेवर ब्लॉकेट कर दिया जाए तो चीन को रोका जा सकता है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन का इसमें स्वार्थ है, राष्ट्रहित है, और चीन एक ऐसा देश है जो अपने राष्ट्रहित को लेकर आगे बढ़ता है, और अगर भारत अपने राष्ट्रहित की बात करता है तो उसमें कोई एक्सट्रीमिस्ट या उसके अंदर कोई
पगान टाइप की कोई चीज सामने नहीं इस चीज को पगानिश चीज को इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मेरा पीयूष यहाँ पर जो डोकलाम के लिए बोला है कि बातचीत करके इसके मसले का पूरा हल यहाँ पे चीन निकालेगा। अब क्या डोकलाम का हल ऐसे निकल पाएगा? तेहत्तर दिनों तक जब इतना तनाव वहां पे रहा और बातचीत से हल निकलना, अभी जब वहां पे प्रधानमंत्री गए हैं तो क्या इस बीच इस पर कोई बात हो सकती है, आगे फ्यूचर में बात होगी, क्या लगता है? देखिए जो हल निकला अभी और ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है वो बातचीत का ही परिणाम है। दोनों ही देशों को ने जो अपनी अपनी सेनाएं वहां लगाई और दोनों तनातनी रही, लेकिन दोनों को ही बाद में ये रियलाइज हुआ कि उनके आर्थिक जो इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से देखिए आप कह रहे कि अध्यक्ष गए जो है डोवाल साहब वो वहां बात करने गए, फिर भूटान भी बीच में था, भूटान की भी स्थिति अजीब सी थी, उसको लेके भी सोचना था, आपस में सिर्फ चीन और भारत का रिश्ता नहीं था, उसमें बात नहीं थी। तो वो युद्ध की स्थिति पैदा न तो चीन होने देना चाहता था न भारत चाहता था, क्योंकि दोनों को पता था कि दोनों ही बड़ी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं इस समय। बाकी के देश तो जो है विश्व के काफी डाउन है उनकी अर्थव्यवस्थाएं, चीन की भी डाउन है, हालांकि भारत की भी अभी डाउन है अगर विकास दर देखें, लेकिन फिर भी ये दोनों बेहतर स्थिति में है। तो अगर युद्ध करते हैं तो जो है कि इनकी स्थितियां और खराब होगी, इसलिए युद्ध दोनों ही नहीं चाहते थे, बस दोनों जो है फेस सेविंग डिवाइस चाहते थे। जब इतना आगे बढ़ चुके थे वो लोग तो इसलिए बातचीत ही चली है। आप देखिए लास्ट के 15-20 दिन में लगातार बात चली है, सुषमा स्वराज भूटान गई हैं, वो डोवाल साहब चीन गए थे, तमाम बातें हुई, बहुत लंबी बातें हुई हैं। उसके बाद ये हुआ कि नहीं अब ब्रिक्स सम्मेलन भी आ रहा है, हमें उसको भी बचाना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें विकसित देशों का सामना करना है, वो चुनौती आर्थिक चुनौती है वहां से हमें। तो इस सब को लेकर फिर ये बातचीत हुई और संवाद हुआ और उसके उसी से ये रास्ता निकला। मुझे भी लगता है कि आगे भी ये स्थितियां बनी रहेंगी। देखिए इस समय जो सरकार है चीन में वो भी एक जो है कि एक राइटिस्ट वाली सरकार है, जो दक्षिणपंथी सरकार है, और भारत में भी दक्षिणपंथी सरकार है, तो वो जो है कि वो हमेशा जो राष्ट्रीयता को उभारते हैं उसके नाम पे बातें करते हैं। तो ये माहौल पैदा किया गया अपनी जनता को बताने के लिए, यानी उम्मीद है कि राष्ट्र के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो जानते हैं कि ट्रेड इंपॉर्टेंट है, दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था अगर खराब हो जाएंगी तो कोई देश नहीं बच पाएगा। आज आप देख रहे यूरोप का क्या हाल हो गया, आप देख रहे अमेरिका क्या हाल हो गया है। तो मुझे लगता है कि रास्ता तो रहेगा, बना रहेगा हमेशा, और क्योंकि ब्रिक एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ऐसा ही एक सेतु है जो इन इस तरह के संकट है या जो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करने में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल। और राजेश जी, अगर हमारे देश से भारत से प्रतिनिधित्व करने नहीं जाते अगर पीएम, तो क्या बाकी जो तीन देश हैं उन पर एक बुरा असर पड़ता, मतलब चीन की एक जो कह सकते हैं इमेज का? बिल्कुल, बहुत बुरा असर पड़ता और ये उसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि चीन के साथ जो भारत है, भारत और जब पांच देश हैं, पांच में दो तीन देश ही जो ठीक ठाक स्थिति में, तो जब भारत नहीं जाता तो बहुत बुरा असर पड़ता और ये इसमें है। देखिए दूसरा ये है कि चीन का व्यापार है और व्यापार में हमारे यहाँ से देखिए बहुत सारी चीज़ें चीन से खरीदी जाती हैं और चीन के आप देखिए चीन की हमारी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, इतनी कंपनियां हैं चीन के अंदर काम कर रही हैं। आप चीन की हमारे यहाँ कौन सी कंपनी कोई माल बना रही है एक बता दो? जियो, वो अलीबाबा है, अलीबाबा जिसका जो कैशलेस में भी है, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का साल का जो कैशलेस जो हमारे सिस्टम जाएगा, उनमें तीन कंपनियों को दिया है जिसका प्रधानमंत्री भी प्रचार करते रहते हैं कैशलेस का, वो एक चीन की भी कंपनी है, उसमें उसकी भी साझेदारी है। आप देखिए जब तक हम यहाँ निर्माण वस्तुओं का निर्माण नहीं करेंगे देश के अंदर, जब प्रधानमंत्री 2014 में मोदी साहब आए थे तो सब सम्मेलनों में जब भीड़ में जाते थे तब ये चीज कहते थे कि हम यहीं सब बनाएंगे, चीन पर निर्भर नहीं रहेंगे, अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत पे जो कोई चीज उभर के नहीं आई है, कोई चीज है नहीं। आप देखिए बहुत देशों में दौरा भी करें, सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए भी चीन को दिया गया, चीन को, वो भी कॉन्ट्रैक्ट चीन को दिया गया। आप देखिए पूरे देश में दौरे भी बहुत करें और दौरे मैं तो कहता हूँ करने चाहिए सब देशों में, दौरे करने से एक तालमेल बनता है, सारी चीजें हैं। आप ये देखिए जो मकसद था इनका कि वहां से व्यापार लाएंगे, वहां से वहां की कंपनियां आएंगी हमारे देश में, आप 3-3.5 साल हो गए कोई तो कंपनी आई नहीं, तो आप इस तरह से देखिए जो है चीन का बहुत बड़ा व्यापार है और वो एक ये भी है, डोकलाम का भी नतीजा वहां आ जाता है, क्योंकि चीन को लॉस है, लड़ाई करने में भी लॉस है और उसकी सारी चीजें जो भारत में आ रही हैं बिक रही हैं। अब देखिए एक जो हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी है जो मोबाइल कंपनी है, उन्होंने देखिए ऑर्डर दिए हैं कितने,
करोड़ों रुपए के वहां से जो है आप उसका निर्माण यही देश में करते, यही बनाते, यही देते, तो ये क्यों नहीं करा? आप दूसरे देश को फायदा कर रहे हैं, तो इस पर क्या है सरकार के से लेके मैं तो कहूंगा व्यापारी वर्ग को सबको ये सोचें और चीन से क्या है व्यापार जितना हो सके कम करना चाहिए, अपने देश में निर्माण करना चाहिए, अपने देश की चीजों को अपने देश में, इस तरह से मेरा मानना यह है। इस तरह दिनेश जी आप सर की बात से सहमत हैं? दरअसल ऐसा ना इनकी कुछ बातें ठीक है, मैं बात ये पहले भी मैंने ये बात कही थी कि देश के अंदर जितना हमारा उद्योग जगत है या छोटे दुकानदार है बड़े दुकानदार हैं, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ फैक्ट्री है काफी सामान बनता भी है, जैसे अभी जियो का आया है वोडाफोन को काफी बड़ा झटका लगा है, वोडाफोन बाहर की कंपनी थी, जियो का अभी मोबाइल फोन भी लेके आ रहे हैं, शायद एक बार मैंने सुना था 1500 में कंपोनेंट चीन से, तो कहीं ना कहीं भारत चीन से आ रहे हैं भारत के, ऐसा है ना सर जियो के, वही मैं कह रहा हूँ भारत के अंदर एक से ज्ञान है, बुद्धि है, समझदार लोग हैं, लेकिन सरकार का जो दायित्व है, जो कार्य है, वो इतना बड़ा होता है, देखो इतना बड़ा मुल्क है ये, देश के जो उद्योगपति हैं, RWA है, अलग अलग एसोसिएशंस हैं और सभी जो अलग अलग वर्ग हैं, इन लोगों को भी चाहिए कि अपने स्तर पर कुछ इस तरह के कार्य किए जाएं, सरकार की मदद ली जाए, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, बिल्कुल ये बात होनी चाहिए, और किसी भी देश को दूसरे पर निर्भर रहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आदान प्रदान कुछ चीजों का जो पड़ोसी मुल्क होते हैं या थोड़ा दूर के भी होते हैं कुछ चीजों का आदान प्रदान होता है, कुछ ये तो इकोनॉमिक बात है, लेकिन फिलहाल जो चीन यहाँ पे थोड़ा झुकता जो नजर आ रहा है बातचीत से ही सही, तो क्या अब चीन को यहाँ पे लग गया कि सच में जो वित्त मंत्री का बयान था कि अब 1962 वाला चीन वो भारत नहीं रहा हमारा, या अब 2017-16 का अब का भारत है, ये काफी बदल चुका है? बिल्कुल भारत बदला है, इसमें कोई शक नहीं है, वो वित्त मंत्री भी कहते हैं पूरा देश कहता है, जो पुराना भारत था आज के भारत में इतना बड़ा चेंज आया है, कितने आज का जो यंग ब्लड है वो कितना समझदार हो गया, पहले से मेरे वो जमाना भी याद है कि जब मैं कक्षा एक में पढ़ता था कक्षा पांचवी तक हम लोगों के पास किताब कापी नहीं होती थी, हाँ। पहाड़े और गिनती कक्षा पांचवी तक मुझबान नहीं होते थे, और हमारा स्कूल जो होता था पेड़ के नीचे लगता था, सूरज निकलता था स्कूल जाते थे, सूरज छिपता था छुट्टी होती थी, ये जमाना था, और आज देखो कितना देश हमारा विकसित हुआ है, जनसंख्या भी बड़ी है, बुद्धि भी बड़ी है, धन भी बड़ा है, और हर तरह से मजबूत हुआ है, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने कुछ देशों ने जो है ना इस देश के ऊपर जो है नुकसान पहुंचाने का बीड़ा उठाया, और वो काफी लंबे समय से चल रहा है, पूर्व में जो लोग रहे थे उन्हें थोड़ा सा मजबूती से कदम उठाते तो ये नौबत ना आती, और मैं तो ये बात कहूंगा आज की, मैं ये नहीं कहता चलो सरकार भाजपा की है लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेता, अभी सरकार जिसकी भी है अभी, आज चाहे वो कश्मीर का विषय है या चाइना की सेना पीछे हटी है या हटाई गई है या समझौता हुआ है, कहीं ना कहीं ये विजय भारत की जनता की है, और सेना जब लेकर आया था चाइना पहले लेकर के आया था, और उसने काफी लंबे समय तक चिटपुट 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 तरह तरह के बयान यानी जो धमकी भरे बयान धमकी इस तरह के वो देता रहा, लेकिन जब यहाँ का कैडर रहा यार कूटनीति जो अपनाई गई फिर जाके उसे समझाया गया अच्छी तरह से तब जाकर के वो पीछे हटा जी, अन्यथा चाइना इतनी जल्दी पीछे हटने वाला नहीं था कि 1962 के अंदर क्या हमारी काफी जमीन चाइना के कब्जे में आज भी है जी, आज भी काफी जमीन चाइना के कब्जे में है, जो उस दौरान की वर्तमान सरकार हमारी यहाँ थी, नया नया देश आजाद हुआ था तो वो जो भी हुआ उस दौरान का, तो उन्होंने सोचा फिर ये कि यही बातें हैं कि फिर जाके कहीं रोड बनाओ, कभी वहां टैंक लगा रहा, कभी कुछ कर रहा, ये ट्रेन बनाओ नेपाल तक आ गया, इधर श्रीनगर तक, तो आखिर कहीं ना कहीं नीयत साफ नहीं है चाइना की, तो अभी भी कोई गारंटी नहीं कि चीन की जो है नियत साफ हो गई। मनन जी आप देख रहे हैं जिस तरह से चीन बार बार पलटी मारता, वही हम बात एक शक अभी भी बना हुआ है, अब बात तो कह दी है कि आतंकवाद के खिलाफ सारे देश एकजुट हो गए हैं, वही मैं बात कह रही हूँ कि एक बार घोषणा पत्र में तो लिख दिया है, कई बार ऐसी बातें रिटर्न में होती रहती है, लेकिन असलियत में क्या धरातल पे वो चीजें लागू हो पाती है, क्या क्या अब ये जो अभी समिट में हुआ है क्या कोई असर दिखेगा, यानी आतंकवाद पर असर दिखेगा कुछ इसका? मेरा इसमें ये थॉट है, ये सोचना है कि कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, कुछ चीजें कुछ चीजों के साथ प्रतीकात्मकता जुड़ी होती है, तो ये प्रतीकात्मक अचीवमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट का, नो प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलें या उसमें गवर्नमेंट बोलें, इसमें ये दो भिन्न चीजें नहीं है, इसमें यह है कि भारत की विजय है और इंडिया का अचीवमेंट है कि इतने बड़े और इतने वैल्यू न्यूट्रल और इतने सो कॉल्ड सेक्युलर प्लेटफॉर्म पे, ब्रिक्स जैसे सेक्युलर प्लेटफॉर्म पे जहां पर वामपंथी और सोशलिस्ट फोर्सेस का बोलबाला है, वहां पर ये बात पहली बार सामने आई है, और एक तरीके से ज्वाइंट कम्युनिके दिया गया है, ज्वाइंट रिजोल्यूशन दिया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा
और जैश ए मोहम्मद को नाम के साथ दो नाम भी दिए हैं, तालिबान जैश ए मोहम्मद, ये पांचे नाम दिए हुए हैं, ये पांचे नाम दिए हुए हैं और इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। और साथ में मोदी जी ने ये बात बोली है, जीएसटी की बात बोली है और इन्होंने ये भी बात बोली कि मेक इन इंडिया स्केल इंडिया, ये कुछ चीजें जो बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है हमारे देश में। तो इसमें एक तरीके से कहने का मतलब है कि ये भारतीय कूटनीति की सफलता है कि एक तरीके से डोमेस्टिक नीति और विदेश नीति के बीच में एक कंटिन्यूएशन डेवलप किया गया है, एक कंटिन्यूएशन डेवलप किया गया है और इसको चरितार्थ किया जा रहा है मोदी जी द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, जो पहले कम होता था। मेरा ये मेरी ये सोच है। देखिए जहाँ तक सरकार का और विपक्ष का ताल्लुकात है, जब भी सरकार पर किसी भी तरह के निर्णय लेगी और लड़ाई से लेके किसी देश से लेके कोई भी है और अच्छे जो भी काम करेगी, सदैव विपक्ष सहयोग करता है और सहयोग करता रहेगा। जहाँ तक ये जो डीजीपी का जो उन्होंने वहाँ बताया जीडीपी, तो देखिए जीडीपी तो हमारी 5.7 हो गई और जो इनकी नीतियों के कारण 2 लाख करोड़ का जो लॉस हुआ है सरकार को, तो इनकी नीतियों के कारण हुआ है। और वहाँ प्रधानमंत्री, चलो वहाँ हम विदेश में हैं, अगर विदेश में हम वहाँ, तो अगर विदेश का कोई यहाँ पत्रकार होता, लाइव होता, तो हम चीजें उठाते नहीं। अभी तो देश देख रहा है। तो आप देखिए उन्होंने रोजगार की कही कि रोजगार बताइए कहाँ, कितने रोजगार दे दिए, रोजगार की बात कर रहे हैं, काले धन की बात करिए, वहाँ काले धन कितना, ये तो हमारा आप जानते हैं कि काले, ठीक है वहाँ दूसरे देशों को बताने के लिए जो भी बोला है तो ठीक है, वो उनकी इच्छा है, जो भी है देश को कहीं नीचा ना दिखाया जाए इस तरह से, ठीक है उसका अच्छा। हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए जमीनी हकीकत देख लीजिए आप। जो इन्होंने कहा 5 करोड़ लोगों को जो रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार दे दिया, उसकी भी जगह छीन लिया गया रोजगार। काले धन की जो बात करिए, काले धन कितना आ गया, और जो जीडीपी की बात करिए आप, उसको भी देख रहे हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो गया सरकार को जो पैसा मिला। आप कह रहे हैं कि उस मंच पर जो वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी के बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ा है, बहुत सारी चीजें हुई है, स्किल इंडिया स्टार्टअप है, डिजिटल ई कॉमर्स, कई सारी चीजें उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल ये सब चीज, ये सब आपको लगता है कि हर मोर्चे पे सरकार विफल है अभी? देखिए वो तो आप देख ही रहे, सरकारी आंकड़े हैं, कोई ये तो है नहीं कि कांग्रेस ने आंकड़े बना दिए, जो अभी नहीं, कांग्रेस ने आंकड़े बनाए नहीं जी, वो तो उसका बाकायदा निर्माण करता शोध कारखाना थी वो तो। देखिए फाइव पॉइंट सेवन नहीं आई कभी भी, और ये जो लॉस हुआ है आपकी नीतियों के कारण हुआ है। आपका फर्ज है भाई साहब ये बातें, जब भी सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है तो पहले जीडीपी डाउन हो जाती है, ये लो थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। देखिए मन हल्के की बात नहीं है, फर्ज नहीं है। आप देखिए जब तक छुपाते रहेंगे और इस तरह से बात करते रहेंगे, देश को धोखे में रखेंगे, और तो ये स्थिति होगी, और ये करते आए, इसीलिए आपकी जीडीपी जो है 5.7 हो गई, तो इसलिए कितना है? आप देखिए 2.2 गिरी है, 2.7, 2.3 यानी मार्केट एक्सपर्ट जो खुद हमारे स्टूडियो में आए थे, उन्होंने यही बताया था कि जब भी कोई ऐसा सरकार कड़ा फैसला लेती है तो जीडीपी पहले डाउन जाती है, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने को मिलता है, तब जाके अप करेगी। लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहेगा उसमें जनता का क्या होगा? ये तो कहते ही, ये सब चीजें तो कहेंगे बार बार, ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा कड़ा स्टेप लिया, इंदिरा जी ना ले पाई, नेहरू जी ने ले पाए, इस तरह की ये बातों में तो खेल करते ही हैं। जीडीपी की बात बाद में कर लेंगे, फिलहाल आतंकवाद के मुद्दे पे बात करें, क्या ऐसे में सरकार इसमें पास रही है क्या? देखिए आतंकवाद तो आतंकवाद पे आप भी जानते हैं, साल में सैनिक शहीद नहीं हुए, इतने इन्होंने 3 साल में हो गए, नीतियों के कारण है। आप जाते हैं रूस और बिना सरकारी प्रोग्राम के और जहाज को मोड़ देते हैं पाकिस्तान, वहाँ बिरयानी खाते हैं, तो ये स्थिति होगी। अरे बिरयानी खाई, बहुत सामान खा के आए वहाँ, देखिए बिरयानी की बात कर रहे हैं अकेले, बिना बुलाए कभी नहीं गए, और 10 साल में मनमोहन सिंह एक दिन भी नहीं गए। आप देखिए
आप तो कोई आपका सरकारी कार्यक्रम था जी, पर्सनल आप किसी के पर्सनल कार्यक्रम में जाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वहाँ बिना बुलाए चले जाते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं है सरकारी। ठीक बात, आप ये बात अपने और उन्हें राहुल जी को और उनको भी समझा दो थोड़ा सा। आप इसमें राहुल जी को क्या समझा दे बताइए ना, आप राहुल जी कौन से गए? अरे भाई साहब, पिछले तीन पिछले सरकार बनने से पहले मेरी बात सुनो, सुनो तो टाइम ज्यादा ले लोगे। ऐसा है ना, जितने भ्रष्टाचारी मंत्री कांग्रेस के गए हैं वो देश में कभी नहीं गए, और तीन साल में इस सरकार का एक भी मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं गया। आपके भ्रष्टाचार ऐसे हुए की तरक्की किस तरह नोट कितने लोग कितने लोगों को उपलब्ध है, कम से कम आपको ये बातें कह रहे हैं जो रही सही है कांग्रेस की उतनी आगे मत डाउन करो, अपनी जेब को ध्यान रखो, छोड़ो आप जेब को मोड़ देते हैं, आप घोटालों पे आ गए। तो फिर आपके जो शिवराज जी सिंह ने इतना बड़ा काम कर दिया, जिसके घर कांच के पत्थर नहीं फेंकते, अभी हमने आपको चीन के मुद्दे पर घोटाले पर आप ही आए, जितना घोटाले पर आ जाते हैं, यही आप देश में इतना वोट नहीं मिला, विपक्ष में खड़े हो जाओ, तुम बोलते हो देश के अंदर, आपने शिवराज सिंह इतने वोट नहीं मिल सकते, तुम विपक्ष में क्या हालत कर दी देश की, संसदता इससे लेकर के राजनीति अगर इस देश का विकास किया तो कांग्रेस ने किया। ऐसा गुनाह है पर जिसने कोई गलती करी हो और उसे जेल भेजने का काम ना करा हो, आप बता दो आप अपने लोगों को क्यों इस तरह से छिपाते रहते हैं? जो भी भ्रष्टाचारी होगा जो गंदगी फैलाएगा जेल जाएगा, बचेगा नहीं, आपका एक भी नहीं है, उनका बचाव करते रहते हैं, भ्रष्टाचारी है ही नहीं। अरे ये तो देश प्रेम चीन के मुद्दे पे फिलहाल आज बात कर रहे हैं, आतंकवाद पे लगाम लगाने के लिए भारत के जो लगातार भारत जो लगातार कदम उठाते आया उसका ही परिणाम आज यहाँ पर देखने को मिला, चाहे कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए। खुद मनमोहन सिंह हमने देखा कि जब भी कोई ऐसा समिट हुआ वहां पर भी उन्होंने बात उठाई है, जरूर उठाई है, अभी जो मौजूदा पीएम है उन्होंने भी उठाई है, तो कहीं ना कहीं भारत की कह सकते हैं छोटी जीत ही सही लेकिन जीत जरूर है यहाँ पे, आतंकवाद के खिलाफ पहला कदम यहाँ पर उसकी जीत, और ऐसे में अब आगे क्या होगा, चीन क्या करेगा इसको लेकर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। पीयूष जी, क्या आपको लगता है वहां पर जो आतंकवादी संगठन है क्या कुछ आतंक पर लगाम लग पाएगी, जो वहां पे खुलेआम आतंकी घूमते हैं जो सरगना होते हैं, क्या वो अब बैन कर दिए जाएंगे? नहीं देखिए, उसमें भी ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें ये हुआ कि सब लोग मिल के जो है और ये इसका एक सोल्यूशन निकालेंगे, और जो है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वो दूसरी जो देश है उनके साथ भी बातचीत करके, क्योंकि देखिए ये इतनी बड़ी समस्या है जो एक देश से निपट नहीं सकता है, ये विश्व स्तर की समस्या है, तो इस बात की वहां पे ये उन्होंने ये एक रेजोल्यूशन में कहा है कि हम बातचीत से काम करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, आतंकवाद को खत्म होना चाहिए, उसके लिए हम लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है चीन को भी ये प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पीड़ित है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, भले ही वो कुछ आतंकवादियों को वो सुरक्षा दे रहा हो या उनको बचा रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली वो भी इसका शिकार होगा होगा, जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसे लेना पड़ेगा। एक रेजोल्यूशन पास हुआ, ये भारत हम कह सकते हैं कि जीत है भारत की, क्योंकि भारत ने इनिशिएटिव लिया है, और प्रधानमंत्री तो पहले भी देखिए यूएन के फोरम्स में भी इस बात को लगातार उठाते रहे हैं, प्रधानमंत्री तो ये भी कहते रहे हैं कि भाई आतंकवाद वो जब वो गए थे G22 में उसमें भी उन्होंने कहा था कि भाई आतंकवाद को डिफाइन किया जाना चाहिए, उसकी परिभाषा होनी चाहिए, अभी तक कोई परिभाषा नहीं हुई यूएन के द्वारा। और मनन जी, यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, मीटिंग होने की एक दिन पहले चीन की तरफ से बयान आता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ काम करता है, वो किस आधार पर ऐसा बयान दे सकता है, आप खुद समझिए। जहाँ तक इस बयान की बात है तो इसके अलावा हम ये हम देखेंगे कि जो अब जैसे राजेश जी ने बोला वो बात भी सही है कि चीन बड़ा हिपोक्रिटिकल कंट्री है, और उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी जो पूरी विदेश नीति है वो दोगली विदेश नीति है, क्योंकि क्योंकि जी जिनपिंग ने ये बात बोली है कि पीस होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसके बाद डिसआर्ममेंट होना चाहिए, और जो जो देश हैं जैसे कि भारत है, और भारत है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इनके कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और इनकी जो मिथ्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, पर हम लोग साथ में आके आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ये ऐसी बात बोली गई है। तो उसमें यह है कि चीन जो बोल रहा है, क्योंकि एक तो वो होस्ट कंट्री, उसे ये बात बोलनी है, और कुछ पॉलिटिकली करेक्ट साउंड बाइट किसी न किसी हर स्टेट्समैन को देनी है, तो और स्टेटमेंट खुद यहाँ पे मतलब शी जिनपिंग यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय हम लोग देश मिलकर निकालें कि कोई भी देश में आतंकवाद को कोई पनाह ना दे पाए, और जो भी अगर पनाह देता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बनेगी, यानी जवाबदेही वो पूरी दे यहाँ पर जो भी देश उसको पनाह देता है।
यानी खुद आज मजबूरन शी जिनपिंग को बोलना पड़ गया यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान तो पनाह दे ही रहा है, फिर भी वो जो है कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट करता है, यही है जो उसका कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट में, हर देश अपने इंटरेस्ट में काम करता है, बात करता है। अगर हम देखें तो पूरी इंटरनेशनल जो है पॉलिटिक्स है उसको समझें तो हर देश उसमें हम देखें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो हम देखेंगे कि सीटी जो चीज है, काउंटर टेररिज्म का जो पूरा मुद्दा है, ये मोदी जी की सरकार पिछले 3 वर्षों से उठा रही है, और मोदी जी ने पूरी तरीके से बहुत एफर्ट किया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी एफर्ट किया, यूएस कांग्रेस में भी ये बात बोली, सैन जो शार्क टैंक यूएस में जो जब गए 2-3 बार गए वहां पर भी ये बात बोली, उन्होंने ये बात बोली कि एक तरीके से टेररिज्म क्या है, इसको इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, इसको परिभाषित आज तक यूनाइटेड नेशंस में भी प्रॉपरली नहीं किया गया है, इसको परिभाषित किसी ट्रीटी में और नॉर्म सेटिंग में और अंतर्राष्ट्रीय विधि और कानून में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसको परिभाषित किया जाए और इसको परिभाषित इस तरीके से किया जाए, समय का तरीके से रिजोल्यूशन आया है कि अगर बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश हैं अगर सारे एकजुट हो जाए आतंकवाद के खिलाफ तो आतंकवाद किसी भी देश को परेशान नहीं कर सकता है। बिल्कुल, अगर ईमानदारी के साथ सारे देश इकट्ठे हो जाएं और कहें आतंकवाद से लड़ाई लड़नी है हमने, ईमानदारी के साथ, ऐसा ना हो कि मसूद अजहर पे कहे सबूत दो, चीन कहने लगे, ऐसा बाद में अभी एग्रीमेंट कर ले और बाद में कहे कि ये आतंकवादी कैसे हैं, इसके सबूत लाओ, तो जब इस तरह की विचारधारा हो जाएगी तो कामयाब नहीं होंगे। और इस तरह ईमानदारी के साथ बिल्कुल काम करना है और बिल्कुल हमने आतंकवाद को खत्म करना है तो खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल, और अभी अभी जिस तरह से बात तो हालांकि कह दी है क्योंकि अभी एक समिट चल रहा था इसलिए ऐसी बात यहाँ पे चीन ने कही है कि हाँ आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन जब ये करने की बारी आएगी कैसे इंप्लीमेंट करना है सब कुछ चीजों को तो कहीं ना कहीं उसमें रोड़ा जरूर अटका सकता है। देखिए बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, चीन का ऐसा रहता ही है सदैव, इसका पूरा इतिहास उठा के देख लो और धोखा करता है सब, हमारे देश के साथ पहले भी धोखा करा है इसने, युद्ध भी ऐसे ही हमारे देश को जब देश आजाद हुआ उस समय देश इतना मजबूत भी नहीं था, हथियार भी सही ढंग के नहीं थे, अब नहीं करेगा धोखा, चाइना ना करे, आप देखिए ना ये धोखा करता रहता है। आप देखिए आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे यहाँ इतना आतंकवाद है, वहां इस समय देश के अंदर जिस पार्टी की सरकार है उसी की सरकार उस प्रदेश के अंदर है, इतने दिनों से वहाँ बच्चे नहीं गए हैं, आप देखिए और मेडिकल बंद है, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए और अपनी इच्छा से पूरा काम करिए, अगर आपकी राजेश जी समय खत्म हो गया, दिनेश जी समय खत्म हो चुका है यहाँ पर, बिल्कुल मैं आप सभी मेहमानों का बहरहाल शुक्रिया यहाँ पे करना चाहूंगी, अभी चर्चा खत्म करेंगे, बिल्कुल समय यहाँ पर खत्म है, राजेश जी, दिनेश उपाध्याय जी, पीयूष पंत जी और मनन द्विवेदी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और यहाँ पर चर्चा की कि आखिरकार किस तरह से चीन यहाँ पर पिंजरे में आया, नहीं अब क्या कुछ चीन यहाँ पर करेगा, कथनी और करनी में हमेशा से ये पटली जो है पलटी मारते आया, अब क्या कुछ चीन करेगा ये यहाँ पर देखना होगा, जो रिटर्न प्रोसेस यहाँ हुआ है क्या वो इंप्लीमेंट हो पाएगा। न्यूजीलैंड देखने के लिए आपका शुक्रिया।